आप बताइए क्या कुछ आप देखते हैं। राजू जी, 2014 के बाद से भारत की जो राजनीति है उसमें से सदाशयता और शालीनता, इन दोनों ही तत्वों का पूर्णतः लोप हो गया है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि उसका नेतृत्व जो है एक बहुत खराब किस्म की राजनीति, बहुत ही गलीज किस्म की राजनीति का जो निर्माण किया है वो देश की सत्ता चलाने वाली सबसे बड़ी पार्टी ने किया है। ये ज्यादा दुखद बात है और यही सबसे बड़े खतरे की बात है कि उस ताकत, उसके पास इतनी बड़ी ताकत इस समय मौजूद है कि वो अपनी खराब से खराब चीजों को लोगों पर थोप सकती है, लाद सकती है, लेकिन हर अच्छी चीजों को कुचल भी सकती है। ये सबसे बड़ा खतरा जो है वो केवल, और मैं जब भी राजनीति पे बात करता हूं तो मैं उसको एक व्यापक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी देखने की कोशिश करता हूं। आज आप देखिए कि जो पूरा का पूरा सोशल मीडिया है, अब तो थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो पूरा का पूरा इसी तरह की, जिसको हम कहते हैं हेट स्पीच, हिंसा, नफरत, इन्हीं सब चीजों से भरा पड़ा है। और मुझे जो सबसे बड़ी चिंता है कि आने वाली जनरेशन, चाहे वो राजनीति में रहे चाहे न रहे, उसके ऊपर राजनीति जो है अपने अपने इन खराब विचारों को जिस तरीके से थोप रही है, ये ज्यादा बड़ा खतरा है। यही, और ये जो ओवरऑल जो जिस तरीके की राजनीति की रचना जो है भारतीय समाज, भारतीय जनता पार्टी ने रची है, इसका असर हमें चारों ओर दिख रहा है। आज पूरी की पूरी कुछ चीजों का पूर्णतः विलोपन हो गया है, न केवल शालीनता और सदाशयता का। आप देखिए कि कार्यपालिका का ही विलोपन हो गया है, कार्यपालिका आपको कहीं भी काम करते नजर नहीं आ रही है। हर बात में जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट ना कोई डायरेक्शन दे या वो कोई संज्ञान ना ले या वो कोई आदेश ना दे, तो लगता है कि इस देश में कोई चीज आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। अगर कार्यपालिका नहीं है तो क्या आप सोच सकते हैं कि हर व्यक्ति क्या सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है? हमारी प्रक्रिया जो है, कानूनी प्रक्रिया इतनी दुरूह है, इतनी जटिल है कि आप एक सामान्य कोर्ट के नोटिस को भी अगर आप जवाब देने में आपके हमारे हाथ जो है वो कांपने लगते हैं। ये तो बहुत अच्छा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो संवेदनशील है। आज के जो तीनों मामले आप देखिए, ये तीनों मामले क्यों हुए हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक आए हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट का बोझ बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कार्यपालिका ने अपनी भूमिका ही नहीं निभाई, चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे अतीक वाला मुद्दा हो, या चाहे ये जो आपका जो तीसरा मामला हो, एक और मामला जिसमें हेट स्पीच के बारे में, हेट स्पीच के बारे में तो बड़ी सीधी सीधी संविधान में, कानून में, सब जगह बहुत सीधा सीधा उसके उसके प्रोविजन है, प्रावधान है, लेकिन कार्यपालिका अपनी जब आंख बंद कर लेती है, कानों को बंद कर लेती है और हेट स्पीच के बारे में, ये पिछले आप 5-7-8 सालों में देखिए किस कदर बढ़ा है वो, लेकिन कार्यपालिका कोई एक्शन नहीं लेती। तीसरा जो विलोपन हुआ है, वो कानून का राज जो है भारत से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कानून जो है कुछ लोगों के मुट्ठी में कैद हो गया है। अगर आप सरकार के खिलाफ हैं आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप अगर सामान्य व्यक्ति हैं आपको न्याय नहीं मिलेगा, आप महिला हैं, दलित हैं, कमजोर वर्ग के हैं, आदिवासी हैं, तो आपके लिए न्याय के दरवाजे इसलिए केवल बंद नहीं है कि न्याय बहुत महंगा हो गया है, इसलिए कि वहां तक पहुंचने का आपका रास्ता ही बंद कर दिया गया है। आप सोचिए कि कृषि कानून में, जब कृषि कानून के खिलाफ जब किसान बैठे थे तो उनको न्याय पाने में कितने तकलीफें हुई थी, कितने लोगों को अपनी जाने गंवानी पड़ी थी। तीन ऐसे कानून, अगर उसे ही हटाने में 150-200 लोग मारे जाते हैं सड़कों पर, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या हो सकती है? लोकतंत्र रह कहां गया है? और सबसे अंतिम बात जो मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करती है, जो चीज हमारे देश से खत्म हो रही है, वो है देश का जमीर, देश की आत्मा मर रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, कहां है वे सारी महिला सांसद, कहां है वे महिला के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, कहां है बहुत सारे एनजीओ, महिला आयोग है बहुत सारे राज्यों में, लेकिन अगर महिला उस राज्य की महिला आयोग जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो चू तक नहीं करते, वो कब सक्रिय होते हैं? जब किसी विपक्षी दल के व्यक्ति से कोई ऐसी गलती हो जाए या ऐसी बात हो जाए, तब महिला आयोग भी देखिए न्याय और अन्याय को लेकर इतना सेलेक्टिव हो गया है, मंत्री सेलेक्टिव हो गए हैं, अधिकारी सेलेक्टिव हो गए हैं, देश की जो आत्मा मर रही है, ये सबसे दुर्भाग्यजनक बातें हैं। आप सारी चीजों को सुधार सकते हैं, सारी चीजें धीरे धीरे पटरी पर लौट आएंगी अच्छा शासन आने पर, लेकिन एक बार अगर देश का जमीर मर गया, देश की आत्मा मर गई, तो वापस इस देश में कानून का राज नहीं बन सकता। जिस न्यायपूर्ण समाज की हमने कल्पना की थी, जो हम स्थापित करना चाहते थे, वो न्यायपूर्ण समाज हमें मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप हर रोज जो है वो न्याय को कुचल रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि इसकी अगुवाई जो है बहुत खराब अगुवाई है, मतलब उसको कोई श्रेय देना नहीं चाहिए,
ये उस डिस्क्रेडिट है उसको, कि उसको उसको सत्ता सत्ता उसको प्रश्न दे रही है इस न्याय को कुचलने की जो प्रक्रिया है उसको। राजीव जी ये सबसे बड़ा खतरा है, जी, बिल्कुल अपनी पुराने पटरी पर जा रहा है। पुरानी पटरी मतलब कौन सी, जहां पर धर्म को जो है वो एक तरह से अलग रखा गया था। आप याद कीजिए कि जब कमंडल के खिलाफ मंडल आया, उसके बाद फिर न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर लाया वीपी नरसिंह राव ने, उसके बाद कुछ शॉर्ट टर्म में चंद्रशेखर आए, एचडी देवेगौड़ा आए, इंद्र कुमार गुजराल आए, इन्होंने उस अलग धर्म और राजनीति को अलग अलग रखने का जो सिस्टम था उसको बरकरार रखा था। यहां तक कि कुछ समय तक अटल बिहारी वाजपेयी भी आए, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐसा बहुत बड़ा मिक्सअप नहीं किया, बहुत बड़ा घालमेल नहीं किया, जो घालमेल आज हम पिछले 8-9 सालों से देख रहे हैं। उसके बाद तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आए, उन्होंने तो पूरा का पूरा ध्यान अपना जो है सारी इकोनॉमिक जो ये है मुद्दे हैं उसी पर रखा हुआ था। कर्नाटक के चुनाव से फर्क ये पड़ेगा कि हमारी राजनीति जो है वो वापस उसी दिशा में जाएगी जब जन सरोकार के जो मुद्दे हैं उसे ही प्राथमिकता दी जाती थी, वरीयता दी जाती थी। अगर कर्नाटक, अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हारती है तो इसका मतलब ये होगा कि जनता जो है वो धर्म को राजनीति में नहीं शामिल होने देना चाहती। जिस हिसाब से यहाँ पे टीपू सुल्तान का मुद्दा हुआ, हिजाब का हुआ, उसकी अगर डिफीट होती है तो भारतीय राजनीति जो है वापस जन सरोकार के मुद्दे पर लौटेगी, जो 2024 में रिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि इस चुनाव के बाद जहां जहां और चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी गुंजाइश नहीं बचती कि वो राजनीति में फिर से धार्मिक मुद्दों का घालमेल कर सके। दूसरा, कर्नाटक का में जो भारतीय जनता पार्टी की हार या जीत जो है वो ये भी तय करेगी कि भारत की जो जनता है वो केंद्रीकृत शासन प्रणाली और संघवाद, इन दोनों के बीच किसको चुनती है। और तीसरी और अंतिम बात जो है, तीसरी और अंतिम बात जो है, इसके आगे जो है 2024 का जो चुनाव होगा तब तक जो है पूरे के पूरे देश में एक वही पुरानी राजनीति फिर से लौट आएगी जो हम 2014 के पहले देखा करते थे। इसलिए कर्नाटक के चुनाव मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का विषय है और मैं उसके प्रति बहुत ही आशान्वित हूँ कि भारत की राजनीति का जो है जन सरोकार का जो मुद्दा है, जन पक्षधारिता की जो राजनीति है वो लौट सकती है अगर कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी परास्त होती है तो। राजीव जी, 2023 का ये चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, क्योंकि 2023 में अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए, सबसे पहला जो आपने देखा जिसमें एक बड़ी सी सभा यहाँ दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचते हैं, फूलों की बारिश होती है और ये कहा जाता है कि हमने नॉर्थ ईस्ट जीत लिया है। हालांकि उसमें रिजल्ट क्या रहा वो आप सबको पता है, 2 सीट भी है तो सरकार बन गई, लेकिन कर्नाटक में 2 सीट आने के बाद भी क्या कांग्रेस सरकार, बीजेपी सरकार बनाएगी, एक बड़ा सवाल तो है ही। वो नॉर्थ ईस्ट अलग है, कर्नाटक अलग है, क्योंकि वो दक्षिण है और दक्षिण में भी कहा जाता है कि दरवाज़ा दक्षिण का यहीं से खुलता है, यानी दक्षिण का द्वार कर्नाटक, और वहाँ अगर बीजेपी की 2 सीटें आती हैं, मान लिया कि 2 सीटें आती हैं।